नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेटीवी बिहार न्यूज। बिहार जहानाबाद जिले के परिसदन में टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुमार सिन्हा गया जाने के दरमियान जहानाबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के पटना आगमन को लेकर प्रदेश जदयू पार्टी द्वारा बढ़ चढ़ कर तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पटना में जो पोस्टर बार देखने को मिला वह एक चूक थी, अब ऐसा दोबारा दृश्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जयदेव पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए हर स्तर पर काम कर रही है और उनके मान सम्मान को लेकर पार्टी बेहतर कदम उठाएगी। इस दरमियान जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव नयन, जदयू नेता शिव नारायण कुशवाहा सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे तरफ से नहीं, पूरी पार्टी की तरफ से ये तैयारी चल रही है पटना में जी। और हम आज पटना से अपना तैयारी करने के लिए गया की ओर जा रहे थे, उसी संदर्भ में जहानाबाद में सभी सम्मानित साथियों से, जो पुराने हमारे साथी हैं उनसे गेट टुगेदर आज मुलाकात हुई सर्किट हाउस में, और केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत, सूबे बिहार के जनता दल के जितने भी वर्कर्स हैं वो सभी लोग पटना में उनके स्वागत में रहेंगे। वो सब पोस्टर बार वाला वो सब पटना में ही खत्म हो चुकी है जी। वो सब पोस्टर बार वगैरह था वो सब पटना में ही खत्म हो चुकी थी, और मैंने बता भी दिया कि वो चूक से छूट गया था, और बहुत लोगों से पहले भी लोग चूक कर दिए थे, तो अब हमें लगता है कि किन्हीं से भूल चूक नहीं होगी। अब वो प्रोटोकॉल के तहत सारा पोस्टर सब जहानाबाद, देखिए जहानाबाद से हमारे सांसद जीते हुए हैं, जहानाबाद से हम कभी तीन तीन में MLA रहते थे, इसलिए जहानाबाद हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है जनता दल यू का। और मैं समझता हूँ कि जनता दल यू का संगठन जिस रूप का मजबूत है, जहानाबाद से 16 तारीख को मैं समझता हूँ बहुत ही अधिक संख्या में भागीदारी केंद्रीय मंत्री माननीय रामचंद्र बाबू के स्वागत में लोग पटना रहेंगे। हमारे सारे चीज़ों की पहलू बन रही है, मान सम्मान की जहाँ तक बात है सही बात है, कार्यकर्ता है तो मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए जी। और कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि माननीय रामचंद्र बाबू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले बने थे तो वो बताए थे, अब ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सभी प्रक्रिया हो रही थी उसके चलते दिक्कत हुआ, नहीं तो कब का मान सम्मान वाला प्रक्रिया भी हमारे वर्कर्स का जो पति है वो हो जाता, बिसूत्री का गठन होना है, निगरानी कमेटी वाला जो बनना है वो गठन होना है, बहुत तरह की कमेटियां हैं जो गठन नहीं हुई है, और ये तमाम चीज अगर गठन हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में एक और बल मिल जाएगा और फिर समन्वय सारी चीजों के।